स्वागत है। और देखिए, यहाँ पर सब्सक्राइब का लाल बटन है, बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। आज हम जिस स्टॉक या जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे, आइए पहले मैं कमेंट सेक्शन पे चलते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अलग अलग अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते रहते हैं और मुझे भी सुझाव देते रहते हैं, और कई सारे नए स्टॉक्स के बारे में भी पूछे जाते हैं जिनका वीडियो मैंने नहीं बनाया होता, उस पर पहले मैं फोकस करता हूँ, बनाता हूँ। ऑलमोस्ट कई लोग पूछते हैं जो जिनके वीडियोस मैं बना चुका होता हूँ, तो उनसे एक प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग एक बारी अगर मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख लिया करें। और फिर भी मैं अपडेट वर्जन भी बनाता रहता हूँ क्योंकि रिजल्ट्स भी आते रहते हैं और समय समय पर न्यूज़ के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं स्टॉक प्राइस, तो अपडेट रहने के लिए मैं अलग कई बार दो दो तीन तीन बारी भी वीडियो बनाता हूँ। तो अभी यहाँ पे एक हमारे सज्जन मित्र गुरदीप सिंह जी ने पूछा कि सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन स्पाइस जेट। तो ऑफ कोर्स मैंने स्पाइस जेट पर अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो मैं आज बनाने की कोशिश करूँगा। हालांकि अभी उसके Q4 के रिजल्ट्स नहीं उपलब्ध हैं, फिर भी पुराना डेटा क्या है और उस कंपनी के बारे में आपको बताऊँगा कि कैसे क्या चल रहा है और भविष्य में क्या करने वाली है। और दोस्तों, माफ़ी चाहूँगी, बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं, रिकमेंडेशंस आते हैं कि इस पर वीडियोज़ बनाइए, तो समय की कमी के कारण मैं प्रत्येक स्टॉक्स पे जो भी आप लोगों के जानने की ख्वाहिश है उस पर बनाने की कोशिश करूँगा और करता रहूँगा, बनाता रहूँगा। मेरा काम ही है आप लोगों को अच्छी सलाह देना। तो चलिए पहले मैं स्पाइस जेट का आज आपको बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए। पहले हम कंपनी के बारे में जानेंगे, कोई भी स्टॉक ख़रीदने या बेचने से पहले उस कंपनी के बारे में जानेंगे कि कैसी क्या कंपनी, किस सेक्टर की है। तो स्पाइस जेट, जैसे आपको सभी को पता है कि एक एविएशन सेक्टर की कंपनी है, जो स्पाइस जेट्स मिशन इज़ टू बिकम इंडियाज प्रेफर्ड लो कॉस्ट एयरलाइन। इनका जो उद्देश्य है, वेबसाइट में इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि एक कम प्राइस का हमारा वो टारगेट है कि हम आम आदमी तक पहुँचाएँ, लो कॉस्ट एयरलाइन डिलीवरिंग द लोवेस्ट एयर फेयर्स विद द हाइस्ट कंज्यूमर वैल्यू टू प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स। मतलब जो लोग चाहते हैं कि उनके, ऑफकोर्स मिडिल क्लास की आबादी ज़्यादा हमारे इंडिया में और सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए विशेषकर ये इनका प्रयास है स्पाइस जेट का कि सबको जो है एयरलाइंस में चलने का मौका मिले। तो इस वजह से इन्होंने अपनी प्राइस को लो कॉस्ट ही रखा है। वी होप टू फुलफिल एवरीवन्स ड्रीम ऑफ फ्लाइंग। इनका सपना है कि हम सभी के सपने को पूरा कर सकें, जो लोग फ्लाई करना चाहते हैं, जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं बाई फ्लाइट। विद इंडियाज़ इकोनॉमिक एंड बिजनेस ग्रोथ द परसेंटेज ऑफ ट्रेवलिंग पॉपुलेशन इज बारगोनिंग। मोर एंड मोर इंडियंस आर ट्रेवलिंग फॉर बोथ बिजनेस and pleasure and everyone needs to save both time and money। जो भी चाहे अमीर आदमी चले चाहे मध्यम वर्ग का चले, हर इंसान ट्रेवल करे और अपना समय और पैसा दोनों की बचत करे। स्पाइस जेट विजन इज़ टू एड्रेस दैट द इंश्योर दैट फ्लाइंग इज़ फॉर एवरीवन। मतलब सभी के लिए इनका, इनकी ख्वाहिश है कि सभी के लिए ऐसा लोग सोचें कि भाई ये सभी के लिए एविएशन है, सभी के लिए फ्लाइट, कोई भी आ जा सकता है। टू पावर टू फ्लाई फॉर एवरीवन विद अ डायनेमिक फेयर स्ट्रक्चर स्पाइस जेट ऑफर्स फेयर्स दैट द अफोर्डेबल ऑफ सिग्निफिकेंटली लोअर दैन मोर एयरलाइंस विद कंटेम्प्रेरी इंटीरियर्स मॉडर्न ग्राफिक्स एंड वाइब्रांट कलर्स। बाकी ये फीचर्स अपने बताएं जो कि मैं स्किप करना चाहूँगा। ऑफकोर्स फ्लाइट के अंदर के जो फीचर्स हैं, जो सुविधाएँ हैं, जो फैसल्टीज़ हैं, उनका थोड़ा सा बखान यहाँ पर किया गया है। द पावर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, द पावर ऑफ सेफ्टी, द पावर बिहाइंड द पावर टू फ्लाई, तो सुरक्षा, पावर ऑफ उड़ने की ताकत, द पावर ऑफ परफॉर्मेंस, जो इनकी परफॉर्मेंसेज हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्किप करता हूँ मैं सारी चीज़ें। देखिए, जो सेक्टर एविएशन का सबको पता है कि एयरलाइंस एयर इंडिया की हो वो भी घाटे में है। जेट एयरवेज का किस्सा भी आपने सुना, गोयल साहब का, वो भी जो अभी दिवालिया हुई है, और किंगफिशर का हाल तो पहले ही आप बहुत पहले ही सुन चुके हैं। हालांकि उनकी बहुत अच्छी सर्विसेज थी, लो कॉस्ट फ्लाइट भी थी, लेकिन अभी जो डोमेस्टिक में सबसे अच्छी जो सर्विस है स्पाइस जेट की, जो लो कॉस्ट एयरलाइन जिन्होंने यहाँ पे इन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा की है, तो नो डाउट अगर आप दो महीने पहले, एक महीने पहले या कुछ दिन पहले भी अगर पी का सीज़न नहीं है, तो आपको अच्छे अमाउंट में, जो लोग एसी थर्ड या नॉर्मल ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, राजधानी वगैरह या सुपरफास्ट ट्रेन में, तो उनको इजिली मिल जाता है थोड़ी सी प्राइस पे और उनका समय भी बचता है। मुझे लगता है कि अगर कोई राजधानी में चलता है या ऐसे थर्ड में नॉर्मल ट्रेन्स में भी चलता है, तो जिस हिसाब से वो 24 घंटे का ट्रेवल करता है,
उसमें जो एक्सपेंसेस आते हैं वो फ़्लाइट के बराबर ही हो जाते हैं अगर इसमें एडवांस बुकिंग करते हैं तो। ये मैं बहुत फीचर्स नहीं बता रहा है इनके, मैं खुद ट्रैवल करता हूँ इसलिए मुझे पता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या इसमें हमें शेयर में पैसे डालने चाहिए ऐसी कंपनीज में। तो देखिए, कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी है तो इसके बेनिफिट भी हैं। तो आने वाले समय में जहाँ अभी आपने मोदी गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट आए आगे आने वाले समय में, ऐसा मैं नहीं कह रहा किसी पर्टिकुलर, तो उनका क्या सपना था कि भाई छोटे छोटे शहरों के, टू टायर थ्री टायर्स के जो छोटे छोटे शहर्स हैं उनको एविएशन सेक्टर से जोड़ना। जैसे बहुत बहुत छोटे शहरों में चलने भी लगी है, तो पूरे भारत में जहाँ लोग छोटे छोटे शहरों को गवर्नमेंट हमारी जोड़ रही है एविएशन सेक्टर से, तो आने वाले समय में लोग फ्लाइट से चलना पसंद करेंगे अगर उनके अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है तो। और नो डाउट स्पाइसजेट उस प्रयास में लगा हुआ है। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है, अब जो इनकी कंपनीज हैं कभी कभी घाटे में रहती है, कभी कभी मुनाफे में रहती हैं, तो उसका रीज़न क्या है? पूरी तरह डिपेंडेंट है ऑयल पे, ऑयल प्राइसेस पे। अगर ऑयल प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियसली इनके प्रॉफिट मार्जिन में दबाव पड़ता है, और ऑयल प्राइस थोड़ा सस्ता होता है तो इनको थोड़ा सा मुनाफा होता है, तो इस वजह से स्टॉक प्राइस बढ़ता घटता रहता है। और मोस्टली कंपनियां तो घाटे में ही रही हैं, आपने सुना ही, हल्ला मचा हुआ है। अब क्या करना चाहिए? तो आने वाला जो समय है, शॉर्ट टर्म का तो मैं नहीं कह सकता, जिस हिसाब से इंडिया में प्लानिंग हो रही है, एविएशन सेक्टर से जोड़ा जा रहा है, लोगों की तादाद बढ़ रही है ट्रेवल करने वालों की फ़्लाइट से, तो हो सकता है कि 4-5 सालों में, 10 सालों में ये ज़बरदस्त बूम करे और ये कंपनी ज़बरदस्त मुनाफा कमा के दे। मैं इसके रिटर्न्स भी दिखाऊंगा 10 सालों में कैसा परफॉर्मेंसेस रहा है। अब होता क्या है, थोड़ा सा फियर फैक्टर भी रहता है, कुछ न्यूज़ेस भी आ जाती हैं। मान लीजिए कहीं दुनिया में किसी कोने में प्लान क्रैश हो गया तो लोग डर जाते हैं, फ़्लाइट टिकट कैंसिल करा लेते हैं, तो वो थोड़ा सेंसिटिव होती हैं चीज़ें। तो ये सब देखते हुए इस स्टॉक में, इस कंपनी में पैसे लगाना चाहिए। अब हम सीधे चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है 60% के आसपास है, थोड़ी सी घटाई है 0.03% की, लेकिन यहाँ पे देखिए इनके करीब 40% के आसपास शेयर गिरवी रखे हुए, इनको फंड वंड उठाना पड़ा, और म्यूचुअल फंड्स की 11 स्कीम्स ने इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें कम से कम 4.27% की होल्डिंग है, और प्रमोटर्स विद हाईएस्ट होल्डिंग, जो इनके प्रमोटर है अजय सिंह जी, मतलब यही मुझे लगता है सीईओ एमडी है, और इनके पास ज़बरदस्त होल्डिंग है। बाकी इंडिविजुअल्स के पास 23.55% की होल्डिंग है। रिटर्न्स में हम देखते हैं पास्ट 10 ईयर्स में तो 7.5% की रिटर्न है, जो कि एक ज़बरदस्त है, और 5 सालों में भी इन्होंने 7.5% के आसपास का रिटर्न दिया है, ये भी बहुत उम्दा है, ज़बरदस्त है। 4 सालों में भी 616% की रिटर्न, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। 3 सालों में 64% की रिटर्न हैं, ठीक है, और 2 सालों से जो है यहाँ पे 1%, 1 ईयर में 2%, और ईयर टू डेट में 40% की, ये तो अच्छे हैं। 6 मंथ में भी 50% के आसपास रिटर्न, 3 मंथ्स में भी 58% के रिटर्न्स, और 1 मंथ में 30% के रिटर्न्स है, ज़बरदस्त रिटर्न्स है। स्पाइसजेट ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं, और 1 वीक में 2.43% के नेगेटिव है, 1 डे में भी 1.11% के नेगेटिव, क्योंकि 3-4 दिन से, फिलहाल पिछले हफ्ते से मार्केट ज़बरदस्त है, इसमें गिरावट है। तो आइए हम देख लेते हैं मार्केट कैप वगैरह। स्पाइसजेट आज है मई 9, 2019, 11:41 है, और 125 रुपये के भाव पे BSE पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो जो था 60 रुपये का था, और हाई बनाया था इसने 152 रुपये का। और जो मार्केट कैप है 7,478 करोड़ का, EPS है 9.29 रुपये, पी है 13.42 की, एंड इंडस्ट्री पी है 24.30 की, तो पी काफ़ी सस्ती है। डिलीवरेबल है 47.80 की, फेस वैल्यू है अभी भी 10 की है। फाइनेंशियल में हम ज़्यादा देखते हैं कि यहाँ पे स्टैंड अलोन के हम देख रहे हैं रिजल्ट्स, और डेट है इनके पास 1,008 करोड़ का, जहाँ इनकी नेट सेल्स थी मार्च 2018 में 2,004 करोड़ की, वहीं जून 2018 में हो गई 2,2199 करोड़ की, वहीं सितंबर 2018 में हो गई 1,848 करोड़ की, लेकिन दिसंबर 2018 में 2,382 करोड़ की, लगातार इनकी जो नेट सेल्स बढ़ती जा रही है। वहीं हम सीधे जंप करते हैं नेट प्रॉफिट में, तो जहां नेट प्रॉफिट मार्च 2018 में थे 46 करोड़ की, वहीं जून 2018 में हो गई नेगेटिव में 38 करोड़ की, और सितंबर 2018 में
389 करोड़ के नेगेटिव में लॉस दिखाया इन्होंने, और दिसंबर 18 में फिर 55 करोड़ की पॉजिटिव रिटर्न, मतलब अच्छे रिटर्न से। तो लगातार यहाँ पे इनके Q3 में भी और अभी Q4 के रिजल्ट्स आने बाकी हैं, तो तब भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, इसीलिए अच्छे रिटर्न्स भी इनको दिख रहे हैं पिछले 6 महीने से। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ आपको इस सेक्टर के बारे में बता दिया है कि क्या प्लस है क्या माइनस है। तो एविएशन सेक्टर आने वाले समय में डेफिनेटली ये बूम करने वाला है, लेकिन अभी आपको ध्यान देना है कि भारत में जो डोमेस्टिक की सबसे ज़्यादा जो सर्विसेज हैं, छोटे छोटे शहरों को जोड़ने वाली लो कॉस्ट फ्लाइट है, लोग बहुत सारी इनकी नेट सेल्स बढ़ेगी, टिकट्स खूब बिकेंगे, तो ऐसे सेक्टर में पैसे लगाएं। तो ये स्पाइस जेट मुझे अट्रैक्टिव लगता है अभी फ़िलहाल, लेकिन लंबे समय के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अभी इनका एक एक्सपेरिमेंट हुआ था एविएशन सेक्टर का, कि उन्होंने कुछ सोलर एनर्जी से भी एक प्लेन उड़ाया था और उसमें वो सफल रहे। तो अगर भविष्य में ये हो गया कि सोलर एनर्जी प्लस ऑयल, तो ऑयल की जहाँ खपत कम होगी तो ऑब्वियसली इनका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बढ़ेगा, इनको राहत मिलेगी। तो अगर हो सकता है एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गए और फ्लाइटें उससे चलने लगी, तो डेफिनेटली प्रॉफिट में रहेंगी ये कंपनियाँ। तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ दोस्तों। मैंने ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैंने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी है इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।